मुझे 100% यकीन है कि इमरान और उसके साथी माकू जजीरे में दाखिल हो चुके हैं, और हो सकता है कि ब्राउन ने जो कॉल की है उसका जवाब कर्नल आर्नल्ड की बजाय खुद इमरान दे रहा हो। मैडम ने कहा, वो जजीरा कवाजा के एक बड़े से केबन में मौजूद थे। केबन में मादाम एंजेला के साथ मादाम हाप मौजूद थी। ब्राउन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर पर मजीद चेकिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन एंजेला हिफाजती इंतजाम की जो तफसील ब्राउन ने माकू जजीरे के बारे में बताई है, उस सूरत में तो इमरान अपने तमाम साथियों समेत अगर वहां पहुंच भी जाए तो क्या कर सकता है। वहां एक्शन ग्रुप मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग हैं, फिर ये जहरीली गैस जिसे कोई जीरू किसी तरह भी क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए भी वहां इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, मादाम हाप ने उलझे हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, ब्राउन अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी के तसरात थे। वो वापस चले गए हैं, वो इर्द गिर्द कहीं मौजूद नहीं हैं, ब्राउन ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जबकि एंजेला का ख्याल है कि वो माकू जजीरे पर हैं, मादाम हाप ने कहा। आपकी बात कर्नल आर्नल्ड से हुई है, मैंने पहले बताया है कि वो वहाँ किसी सूरत दाखिल ही नहीं हो सकते। वहाँ से यहाँ का रब्ता सिर्फ टनल की सूरत में हो सकता है, और टनल से हम यहाँ आए हैं, और टनल को वापस खींच लिया गया है, और अब तो कर्नल आर्नल्ड भी टनल को यहाँ भेजने का रिस्क नहीं ले रहा, ब्राउन ने कहा। इमरान आवाज़ और लहजे की नकल करने का माहिर है, ये भी तो हो सकता है कि हम जिसे कर्नल आर्नल्ड समझ रहे हों वो खुद इमरान हो। क्या कोई ऐसी बात तुम्हारे जहन में है जिससे ये बात कन्फर्म हो सके, एंजेला ने कहा। कैसी बात, ब्राउन ने कहा। मेरा मतलब है कि कर्नल आर्नल्ड की जिंदगी के बारे में कोई ऐसी बात जिसे इमरान वाकिफ ना हो, उसकी बीवी, उसकी औलाद या ऐसी ही कोई बात, एंजेला ने कहा। हाँ, एक ऐसी बात है कि कर्नल आर्नल्ड से पूछा जा सकता है कि मेरे साथ जो आदमी यहाँ आए हैं उनके नाम क्या हैं, ब्राउन ने कहा। क्या उसे नामों का इल्म है, एंजेला ने चौंक कर पूछा। हाँ, ब्राउन ने जवाब दिया। ओह, दिखाओ, ट्रांसमीटर में बात करती हूँ, एंजेला ने कहा। तो ब्राउन ने जेब से एक खसूसी सख्त का ट्रांसमीटर निकालकर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर एंजेला की तरफ बढ़ा दिया। एक मिनट एंजेला, अगर ये वाकई इमरान हुआ तो फिर भी हम क्या कर लेंगे, बल्कि वो होशियार हो जाएगा, मादाम हाप ने कहा। क्यों ब्राउन, क्या यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जिससे अगर इमरान और उसके साथी वाकई माकू जजीरे पर मौजूद हों तो उन्हें हलाक किया जा सकता है या बेहोश किया जा सके, एंजेला ने ब्राउन से मुखातिब होकर कहा। नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ का किसी तरह भी माकू से कोई तलक नहीं है, ब्राउन ने जवाब दिया। मैं बात तो करूँ, पहले ये बात कन्फर्म हो जाए क्या वाकई वहाँ इमरान मौजूद भी है या नहीं। वैसे ब्राउन, तुम्हारे साथियों के नाम क्या हैं, एंजेला ने मादाम हाप से कहा, और फिर वो ब्राउन से मुखातिब हो गई। मेरे साथियों के नाम मैक, डैक्सन, साइमन और फिशर हैं, ब्राउन ने जवाब दिया। तो एंजेला ने इस बात में सर हिलाते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, एंजेला फ्रॉम रेड जीरो एजेंसी कॉलिंग कर्नल आर्नल्ड, ओवर, एंजेला ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, कर्नल आर्नल्ड अटेंडिंग यू, ओवर, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कर्नल आर्नल्ड की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल आर्नल्ड, आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ब्राउन और उसके साथियों के बारे में हमें शक है कि ये असल नहीं है बल्कि इमरान और उसके साथियों ने उनका मेकअप कर रखा है। क्योंकि हम ब्राउन और उसके साथियों को नहीं जानते, इसलिए हमारे पास उनकी चेकिंग का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ब्राउन के साथ आने वाले चारों आदमियों के नाम हमें बता दें ताकि हम चेकिंग कर सकें, ओवर, एंजेला ने बात बनाते हुए कहा। आप ब्राउन और उसके साथियों पर शक किस बिना पर कर रही हैं? अगर फ़र्ज़ किया कि वो नकली भी हैं तो फिर वो क्या कर लेंगे, ओवर, कर्नल आर्नल्ड ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। आप उनके नाम बता दें, आखिर चेकिंग में हर्ज ही क्या है, ओवर, एंजेला ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। अगर आप उसी तरह मुतमैन हो सकती हैं तो मैं बता देता हूँ। ब्राउन के साथ जाने वाले चार अफराद थे जिनके नाम फिशर, साइमन, मैक और डैक्सन हैं, ओवर, कर्नल आर्नल्ड ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, ओवर एंड ऑल, एंजेला ने कदरे मायूस से लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है ये वाकई कर्नल आर्नल्ड ही बोल रहा था, फिर वो इमरान और उसके साथ ही मोटरबोट को खाली करके कहाँ चले गए, एंजेला ने होंठ चबाते हुए कहा।
वो लामहाला नाकाम होकर वापस चले गए हैं। किस तरह गए हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाहर हाल वो निकल गए हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने हमें चक्कर देने के लिए खाली मोटरबोट वहाँ छोड़ दी हो और अपना हेलीकॉप्टर मंगवा कर वो उस पर सवार होकर निकल गए हों, ब्राउन ने कहा। नहीं, मैं ये मान नहीं सकती कि इमरान इस तरह वापस चला जाए, ये उसकी फितरत और मिजाज के खिलाफ है, इंजला ने उलझे हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक एक आदमी कैबिन में दाखिल हुआ। ये कमांडर जोसेफ का नायब मेजर विल्सन था। मादाम, एक हैरत अंगेज बात मैंने नोट की है, मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूं, मेजर विल्सन ने कहा। तो कैबिन में मौजूद सब अफराद बेख्तियार चौंक पड़े। क्या बात, मादाम हाप ने चौंक कर पूछा। माकू जजीरे के तमाम हिफाजती इंतजाम अचानक ऑफ हो गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये इंतजाम दोबारा शुरू हो गए, मेजर विल्सन ने कहा। तो सबके चेहरों पर हैरत के तसरात उभर आए। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे कंट्रोल रूम के नीचे एक छोटा सा तहखाना है जिसमें एक ऐसी मशीन मौजूद है जो माकू जजीरे के हिफाजती इंतजाम को चेक करती है। उस पर काशन आया है, 15 मिनट तक ये इंतजाम मुकम्मल तौर पर ऑफ रहे हैं, मेजर विल्सन ने कहा। ओह ओह, लेकिन अभी तो कर्नल आर्नल्ड से बात हुई है, उसने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, इंजला ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो बहरहाल आपको इतला दी है, अब वैसे वहाँ फुल हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं, मेजर विल्सन ने कहा। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो, मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, आइए मेरे साथ, मेजर विल्सन ने कहा। तो ब्राउन समेत मादाम हाप और इंजला दोनों उठ खड़ी हुई और फिर थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन रूम के नीचे एक छोटे से तहखाने में पहुंच चुके थे। ये एक छोटी सी मशीन थी जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन मौजूद थी, उसके साथ उसमें 8 छोटे छोटे डायल भी मौजूद थे जिन पर मौजूद सुइयां आखिरी हिंसों पर थीं। ये डायल वहाँ के इंतजामी इकदाम को चेक करते हैं। इस वक्त देखें कि ये ऑन है, इसका मतलब है कि वहाँ हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं, लेकिन अगर ये सुइयां वापस जीरो पर चली जाएं तो इसका मतलब है कि हिफाजती इंतजाम ऑफ हो गए हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर जजीरा माकू के गिर्द मौजूद सफेद धुंध भी नजर आती है, जिसके अंदर ऐसा सिस्टम भी मौजूद है कि उसके अंदर टेप होती रहती है। मैं आपको वो टेप दिखलाता हूँ, मेजर विल्सन ने कहा। और फिर उसने उसकी एक नाप को थोड़ा सा वापस घुमा दिया और बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर जमा कसा हुआ और उसके साथ ही स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये वाकई माकू जजीरे का मंजर था जिसके गिर्द टोपी की सूरत में सफेद गहरी धुंध छाई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद यकलक जमाका सा हुआ और उसके साथ ही धुंध गायब होती नजर आने लगी और देखते ही देखते जजीरा माकू साफ दिखाई देने लगा। उस पर मौजूद दरख्त नजर आ रहे थे और एक दो बड़ी इमारतें भी। जजीरे के दरमियान में एक बहुत ऊंचा टावर था जिसके ऊपर एंटीना नुमा कोई चीज तिरछे अंदाज में लगी हुई थी। आपने देखा कि हिफाजती इंतजाम खत्म हो गए हैं, मेजर विल्सन ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर मुसलसल 15 मिनट तक स्क्रीन पर यह मंजर नजर आता रहा। फिर अचानक एक धमाका हुआ और उसके साथ ही स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर बदल गया। अब एक बार फिर स्क्रीन पर धुंध जजीरे के गिर्द टोपी की सूरत में नजर आने लगी। ये कैसे मुमकिन है, कहीं हिफाजती इंतजाम के कंट्रोल रूम में खराबी तो नहीं हो गई थी, ब्राउन ने कहा। क्या वक्त का इल्म हो सकता है, मादाम हाप ने मेजर विल्सन से मुखातिब होकर कहा। किस वक्त का, मेजर विल्सन ने चौंक कर पूछा। इन 15 मिनटों का, कि ये 15 मिनट इस वक्त से कितना पहले थे, मादाम हाप ने कहा। जी हाँ, ये देखें ये घड़ी, ये भी ऑटोमेटिक टेप होती है, मैं दिखाता हूँ, मेजर विल्सन ने कहा। और उस घड़ी के नीचे मौजूद एक नाप को वापस घुमाकर उसने बटन प्रेस कर दिया। घड़ी के डायल के निचले हिस्से में मौजूद नंबर तेजी से तब्दील होने लग गए और फिर चंद नंबर रुक गए। ये है वक्त जब हिफाजती इंतजाम ऑफ हुए हैं, मेजर विल्सन ने कहा। यह तो अब से एक घंटा पहले का वक्त है, इंजला ने हैरान होकर कहा। हाँ, आओ मेरे साथ, अब बात मेरी समझ में आ गई है, मादाम हाप ने कहा और तेजी से उस तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पहली बार जब ब्राउन ने कर्नल आर्नल्ड से ट्रांसमीटर पर राब्ता किया तो उस वक्त कर्नल आर्नल्ड की बजाय इमरान जवाब दे रहा था, लेकिन जब दूसरी बार इंजला ने कर्नल आर्नल्ड से बात की तो वो वक्त था जब हिफाजती इंतजाम ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन हो चुके थे। उस वक्त जवाब देने वाला असल कर्नल आर्नल्ड था, इसलिए उसने ब्राउन के साथ आने वाले चारों आदमियों के दुरुस्त नाम बता दिए थे।
इसका मतलब है कि इमरान अपने साथियों समेत किसी न किसी तरह जजीरे में दाखिल हो गया। उसने कर्नल आर्नल्ड को कवर कर दिया और हो सकता है कि कर्नल आर्नल्ड ने मौत के खौफ से इमरान और उसके साथियों से कंप्रोमाइज कर दिया हो और उसे वो पुर्जा जो वो हासिल करना चाहता था देकर माकू में फालतू इंतजाम ऑफ कराकर उसने उन लोगों को जजीरे से वापस भिजवा दिया हो। इस तरह अब किसी के पास ये सबूत नहीं है कि इमरान और उसके साथी जजीरे पर पहुंचे और पुर्जा ले गए। वापस उसी केबन में पहुंचकर मदाम हाफ ने कुर्सी पर बैठते ही बात करते हुए कहा। लेकिन फिर जब ये मंजर स्क्रीन पर नजर आ रहा था तो हमें जजीरे से कोई हेलीकॉप्टर कोई बोट तो बाहर आती दिखाई देनी चाहिए थी। अब ये लोग वहां से तैरते हुए नवाजी तो नहीं पहुंच सकते, इंजला ने कहा। हो सकता है कि कर्नल आर्नल्ड को मालूम हो कि हिफाजती इंतजाम को चेक करने की मशीन यहाँ मौजूद है और उसे ये भी मालूम हो कि इस मशीन पर जजीरे के कौन से रुख का मंजर नजर आएगा, इसलिए उन्हें किसी और सिमत से बाहर निकाल दिया हो, मदाम होप ने कहा। और वो हिफाजती इंतजाम के ऑफ होने के बारे में क्या वजाहत करेगा, इंजला ने होंठ चबाते हुए कहा। वो कह सकता है कि हिफाजती इंतजाम की मशीनरी में खराबी पैदा हो गई थी इसलिए 15 मिनट तक हिफाजती इंतजाम ऑफ रहे। कोई भी बहाना बनाया जा सकता है और इस सिलसिले में शहादत भी दी जा सकती है, मदाम हप ने जवाब दिया। मिस्टर ब्राउन, आप अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पर चेकिंग के लिए प्रवास करते रहे हैं, आप किस तरफ गए हुए थे, क्या आप माकू जजीरे की तरफ गए थे, इंजला ने ब्राउन से मुखातिब होकर कहा। जी नहीं, मैं तो बाचांद की तरफ चेक करता रहा हूँ, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम इस वक्त जजीरा माकू जाते तो लामहाला तुम्हें इमरान और उसके साथ ही मिल जाते। बहरहाल मुझे यकीन है कि हम अब भी उन्हें पकड़ सकते हैं, मदाम हाप ने कहा। ये बताओ ब्राउन, क्या माकू जजीरे पर हेलीकॉप्टर या मोटर बोट या ऐसी ही कोई चीज मौजूद है, इंजला ने कहा तो मदाम हाप ने भी चौंक कर उस अंदाज में सर हिलाया जैसे उसे यह सवाल पसंद आया हो। सिर्फ एक मोटर बोट है, वो भी पहले काम आती थी, जब से इस जजीरे के गिर्द ये धुंध पैदा की गई है तब से वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वहाँ काम ही नहीं है, ब्राउन ने कहा। फिर वो लोग यकीनन मोटर बोट पर ही वहाँ से निकले होंगे, तुम्हारे पास नक्शा होगा, मदाम हाप ने इंजला से कहा तो मदाम हाप ने इस्पात में सर हिला दिया और उसने अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से एक नक्शा निकाला और उसे दरमियानी मेज पर फैला दिया। क्योंकि इन 15 मिनटों में कवाजा जजीरे की तरफ कोई मोटर बोट नजर नहीं आई इसलिए उन्हें कवाजा जजीरे की मुखालिफ सिमत से भिजवा दिया गया होगा, इंजला ने कहा। लेकिन हम में से तो किसी को ये मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसी कोई मशीन भी मौजूद है और मुझे यकीन है कि कर्नल आर्नल्ड को भी इसका इलम नहीं होगा, मुझे भी ये पहली बार मालूम हुआ है, ब्राउन ने कहा। हो सकता है कि यह सब कुछ इत्तफाक हो लेकिन बहरहाल हमें दूसरी तरफ से चेकिंग करनी है कि मोटर बोट ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकती है, इंजला ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान और उसके साथी मोटर बोट के जरिए दो जगहों पर पहुंच सकते हैं, एक जजीरा नवाजी और दूसरा बाचान के करीब जजीरा साटामी। हमारे पास दो हेलीकॉप्टर हैं इसलिए हमें दोनों अतराफ से चेक करना चाहिए, मदाम हाप ने कहा तो इंजला ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं जजीरा नवाजी की तरफ जाती हूँ, तुम ब्राउन के साथ साटामी की तरफ जाओ। 06 ट्रांसमीटर हम दोनों के पास होंगे और ऐसा असला भी हम साथ रखेंगे कि जिसकी मदद से बुलंदी से ही उस मोटर बोट को तबाह किया जा सके, मदाम हाप ने फौरन ही फैसला कुन लहजे में कहा। एक बात का ख्याल रखना मदाम हाप, अगर तुम्हें इमरान की मोटर बोट नजर आ जाए और करीब पहुंचने पर अगर वो खाली नजर आए तो समझ लेना कि ये लोग समुन्द्र में उतर गए हैं, जाहिर है उन्हें दूर से ही हेलीकॉप्टर नजर आ जाएगा, इंजला ने कहा। मैं जानती हूँ ये सब बातें, उठो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, मदाम हाप ने कहा और उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही इंजला और ब्राउन भी उठ खड़े हो गए और वो सब केबन के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।